गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो हमारी 9th क्लास की ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा है। सो हम पहुंच गए थे चैप्टर नंबर 1 पे, जल्दी से पहुंचते हैं। सो ऑल ऑफ यू, आपको ये तो पता हो गया कि मैंने फर्स्ट पार्ट में लोकेशन, साइज, इवन कि इसका मैप से रिलेटेड थोड़ा बहुत जितना बुक में है उतना मैंने निकाल के दे दिया है। एंड सो ऑन, हमारा वीडियो यहाँ तक कम्प्लीट हो गया था। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यार वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बहुत सारा शेयर कर दो कि जिसको और ज़रूरत हो, मतलब जिसको पढ़ने की और ज़रूरत हो तो वो उसको भी, मतलब ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। लुक एट द फिगर 1.3 जो कि यहाँ नेक्स्ट पेज में दिया गया है। ये जो फिगर है वो 1.2 है जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाला है। जिन लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लो, वहाँ पे देख लेना आप लोग, ठीक है। सो एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। ये सब तो थोड़ा बुक की लैंग्वेज है, बट यहाँ पे जो जो टू टर्म्स आए हैं वो देख लेते हैं कि वो होते क्या है, जो कि लैटिट्यूडनल है और लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। तो पहले मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज हो जाती थी, बट जिस तरीके से मैं ट्रिक से ये दोनों टर्म्स लर्न किए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा मैप में चलते हैं। सो गाइस, आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड यहाँ पे नीचे है साउथ, ठीक है। अब हमारा टर्म क्या था? लैटिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल मीन्स आप लोग ये समझ सकते हो, लेटी हुई वेव्स बोल सकते हो, मीन्स वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट, ये आपकी क्या हो जाएंगी? लैटिट्यूडनल हो जाएंगी, ओके। अब हमारा नॉर्थ टू साइड लॉन्गिट्यूडनल आ जाएगा क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अब आपको समझ में आया, नॉर्थ टू साउथ में यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल आ जाएगी क्योंकि वो लॉन्ग साइड लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। लैटिट्यूडनल में वो लेटी हुई वेव्स या लेटी हुई लेंथ कवर कर रही है। तो आपको ये टर्म समझ में आया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया जो कि मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री पर ठहरा हुआ है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर टू द स्मॉलर एंड द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, ठीक है। अब नॉर्थ टू साउथ ये देखना है और ईस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट, ये प्रटेंड करके देखना है कि छोटा कौन सा स्मॉलर देन ये, ठीक है। तो इसमें हमको पता चलने वाला है ये स्मॉलर है, ठीक है। अब फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, मतलब जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश है तक जो 2 घंटे का अंतराल का समय है वो इसमें बताया गया है। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मीडियन मेरिडियन ऑफ इंडिया जो कि 82 डिग्री 30 ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश इज टेकिंग एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल द कंट्री, ठीक है। ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि मिर्ज़ापुर से क्रॉस करता है, ठीक है। अब द लैटिट्यूडनल मीन्स वेस्ट टू ईस्ट या फेस टू वेस्ट, ठीक है। एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। क्योंकि ये नाइट और ये दिन और रात है उसको प्रभावित करती है, मीन्स उसको प्रभावित मीन्स आ जाएगा आपका यहाँ पे इन्फ्लुएंस मीन्स यहाँ पे प्रभावित, अट्रैक्ट करना, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे जो नॉर्थ है साउथ है उसकी ओर बढ़ता है, मीन जो साउथ है मीन जो निचला हिस्सा है अपने इंडिया का वो नॉर्थ की ओर पे अट्रैक्ट होता है, वो उसकी साइड बढ़ता है, इस वजह से ये ऐसा। सो गाइस, हमारा थोड़ा सा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है, थोड़ा सा क्या पूरे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि इंडिया है, इंडिया एंड द वर्ल्ड मैप, ठीक है। तो द लैंडमार्क हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, मतलब अब यहाँ पे इंडिया की वो लोकेशन बताई गई है पूरे वर्ल्ड मैप में कि उनका
बीच में जो ईस्ट और वेस्ट एशिया पड़ रहा है उसके वहाँ पे इंडिया आता है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन सॉरी एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये आपको वर्ल्ड मैप में देखना पड़ेगा। सो गाइस आप लोग देख सकते हो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारा इंडिया कहाँ लोकेट करता है, तो आपको छोटा श्रीलंका दिख रहा होगा, वहाँ से कोई भी पता लगा लेगा। तो एशिया की जो बीचो बीच बोल सकते हैं और ईस्ट वेस्ट एशिया इस साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोट्यूट्स का मतलब आता है कि बाहर की ओर निकला हुआ। तो ये देख लेते हैं, जो डिकेन पेनिनसुला है इंडिया से जो बाहर से निकला हुआ है, ठीक है, तो वो दूसरी कंट्रीज में कनेक्ट करता है, ठीक है, और थस हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया। तो जब वो बाहर से मतलब वहाँ से निकला हुआ कोई हिस्सा होगा तो वो किसी और कंट्री से मतलब कि और थोड़ा क्लोज कॉन्टैक्ट आएगा, ठीक है, ठीक है, तो उससे इंडिया इस्टेब्लिश कर सकता है और दूसरे कंट्रीज से किस चीज़ में कॉन्टैक्ट करने में। ठीक है, एशिया एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट सॉरी वेस्टर्न कोस्ट कोस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। अब ये देखना है ये अफ्रीका एंड यूरोप है जो कि फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न के साइड से मतलब यहाँ से देखा जाए तो भी इस साइड का जो इस साइड का वो मतलब ये होगा ये वेस्ट कहलाएगा। ठीक है, वेस्टर्न एंड जो साउथर्न ईस्ट है वो ईस्ट एशिया ईस्ट साइड आएगा अपना, तो ईस्ट एशिया और द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, तो वो उससे लगा हुआ होगा। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन का मतलब होता है समुद्री तट, मीन समुद्र का किनारा या समुद्र का किनारा बोल सकते हो। ठीक है, ऑन द इंडियन ओशन एज एज इंडिया हैज़ एंड इंडीड इट इज़ इंडियाज इमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन इंडियन आफ्टर सॉरी ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। तो यहाँ पे सीधा साधा आपसे ये बोल रहे हैं कि जो जो कोस्ट लाइन है समुद्री तट है वो किसी और कंट्रीज का नहीं है। ठीक है, हमारे इंडिया का है, हमारे इंडियन ओशन का ही है। ठीक है, जो हमारे इंडिया से ही है और इट इज़ इमिज इमिनियंट मीन्स होता है प्रख्यात पोजिशन ऑफ इंडियन ओशियन जस्ट विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट। मतलब जब वो समुद्री तट मिला उसके बाद ही उसका नेमिंग कर दिया है कि ये ओशियन है, और जब इंडिया का है तो फिर इंडियन ओशियन, उस तरह से ये नाम ऐसे पड़ा। डू यू नो वाला ये देख लेते हैं, सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुजेल सॉरी स्यूज कैनाल इन 1869 इंडियाज़ डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 7,000 किलोमीटर। मीन्स ये जो एक कैनाल है जो कि 1869 में ओपन हुई थी, ठीक है, जिससे यूरोप और इंडिया का डिस्टेंस रिड्यूस हो गया था, कितना 7,000 किलोमीटर। ओके, सो इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूज थ्रू द एज एंड हर रिलेशनशिप्स थ्रू द लाइन रूट्स एंड मच ओल्डर देन द मैरिटाइम कॉन्टैक्ट्स। मतलब आप इंडिया के कॉन्टैक्ट देख सकते हैं कि रूट से हो सकता है या पानी के थ्रू हो सकता है। ठीक है, द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासेस टू एस एंशियंट ट्रेवलर्स। मतलब अब जो सबसे ज़्यादा पुराने वो हैं पहाड़ी इलाके जिनसे ट्रैवलिंग हो सकती थी, जो कि नॉर्थ साउथ में पाए जाते हैं ज़्यादातर पहाड़ी इलाके। वेल ओशियन रिसर्च सच एज इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस रूट हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कम्युनिटीज सिंस एंशियंट टाइम। मतलब ये जो रूट है वो काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हेल्प किया है एक्सचेंज आइडियाज़ के लिए। कब से मतलब काफ़ी पुराने टाइम मीन्स एंशियंट टाइम दिया गया है। द आइडियाज ऑफ उपनिषद एंड द रामायण द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र द इंडियन नंबर्स एंड द डेसिमल सिस्टम थस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो आइडियाज़ था उपनिषद
उपनिषद का और रामायण का स्टोरी हो गई, पंचतंत्र का, ठीक है, जो हमारे इंडियन नंबर हो गए, डेसिमल सिस्टम हो गए, तो काफ़ी वर्ल्ड में ये काफ़ी जगह पहुंच चुके हैं, ठीक है। द स्पीसीज एंड मुस्लिम एंड द अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, मतलब ने इंडिया में लिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, नेम नहीं यहाँ पे दिया गया है। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्ट्रक्चर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मीनार्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, मतलब ये हो गया आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम हो गया, ये हो गया, ठीक है, वो हमें वेस्ट एशिया से मिले हैं जो कि हमारे कंट्री में अब देखे जाते हैं, ठीक है। इंडिया नेबरहुड की बात कर लेते हैं तो ये तो आपने जानते ही हो गए, सबसे ज़्यादा बुरा पाकिस्तान, तो देख लेते हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन द साउथ एशिया, इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, ये तो सभी को पता है। सो इंडिया शेयर्स इट बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, अब ये देख लेते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है। सो आपको ये पता है नॉर्थ यहाँ पे है, वेस्ट यहाँ पे है, तो इस जो बीच का लोकेशन होती है इसको नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। सो पाकिस्तान इधर पे है, अफगानिस्तान इधर पे है, तो आपको ये पता चल गया कि नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। चाइना हो गया, नेपाल भूटान इन द नॉर्थ, ठीक है, ये भी देख लेते हैं, चाइना नेपाल एंड भूटान जो कि यहाँ पे नॉर्थ में एग्जैक्ट ही मिल जाते हैं, ठीक है। म्यांमार बांग्लादेश एंड सॉरी म्यांमार एंड बांग्लादेश जो कि ईस्ट में है, देखो ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है जो कि एग्जैक्ट ईस्ट में पड़ता है, आप लोग खुद देख सकते हो। और फिर द साउथर्न रीजन्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ टू आइसलैंड कंट्री नेमली, तो अब देखो यहाँ पे तो देखो नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया और ईस्ट हो गया, साउथ की बात ही आती है, तो साउथ में तो यहाँ पे कुछ नहीं है, पानी मिलेगा आपको, वो देख लेते हैं, यहाँ पे टू आइसलैंड्स की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे श्रीलंका एंड मालदीव्स दिया गया है जो कि श्रीलंका इधर पे है, छोटी सी कंट्री मालदीव्स से। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय द नैरो चैनल सॉरी फ्रॉम द सी फॉर्म्ड बाय द पल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, वाइल मालदीव्स आइसलैंड आर सिचुएटेड ऑफ टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइसलैंड, तो यहाँ पे लक्षद्वीप आइसलैंड है, ये भी साउथ में ही है, बट अब इसके साउथ में मालदीव्स आ जाता है क्योंकि ये इसी के नीचे है, ठीक है। और थोड़ा देख लेते हैं, थोड़े से बचा है, बस इतना ही आपका बचा है, उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ अदर नेबर्स, मतलब उनका जियोग्राफिकल जो चीज़ है और हिस्टोरिकल जो चीज़ है उसके जो इन दो टर्म्स में जो लिंक आती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती हैं वो हम उनके अपने नेबर्स पे, जैसे हमारा नेबर हो गया पाकिस्तान चाइना भूटान, है ना, ठीक है। तो आपका यहीं पे चैप्टर होता है फिनिश, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो नेक्स्ट चैप्टर भी देख लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर दिया गया है सेकेंड चैप्टर टू फिजिकल फीचर्स ऑफ अवर इंडिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ यार लाइक शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।